अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये खबर गुजरात से जुड़ी हुई है, जो कल हमारे गुजरात के अहमदाबाद शहर में यूनिवर्सिटी है, वहाँ विदेशी जो छात्रा है, स्टूडेंट है, उनके ऊपर बाकायदा GSR के नारे लगाकर उन पर हमले किए गए, मारपीट की गई और बाकायदा उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब इस सिलसिले में हमारे पास जो वीडियो आया है, वो वीडियो रखने से पहले हम एक बात जो हम सुनते हैं कि पूरे भारत का एक विकासशील मॉडल है गुजरात, तो ये एक मॉडल की छवि हमारे पास आती है, आप इसको भी देख सकते हैं, शायद आपके पास पहुंचा होगा, लेकिन इसको एक डॉक्यूमेंट्री में शामिल करने के लिए हम आपके पास ये वीडियो शेयर करते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। This is what is happening in our hostel A block. Some Muslims, students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. I don't know. They left their own hostel, come to our own hostel to disturb people who were praying. This is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. They are in our hostel and they left their own hostel, come here to attack our Muslim brothers who are there praying. This is really unacceptable. We are not going to accept this. Let us go. Police, let them go. They are going. They are running away. Police, don't arresting them. Everyone is running away. They broke everything. They broke everything. Now they are running away. They are not taking any action right now. This is a democratic country. This is a secular country. जैसा कि वीडियो में कहते हैं भाई, इंग्लिश में जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन के होते हुए उन पर हमला किया गया। अब मोदी साहब से ये सवाल है कि मोदी साहब जो पूरे भारत में और विश्व में जो गुजरात मॉडल का जो एक पूरा मॉडल रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे गुजरात का ही वीडियो है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह विदेशी छात्रों पर, स्टूडेंट पर इस तरह की जो कहा जाता है कि आप कोई भी नारा लगाओ, GSR का नारा लगाओ, मुसलमानों को मारो, ये अजीब देश के हालात की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। इससे देश विश्व की महाशक्ति शक्ति बनेगा। मोदी साहब आप जरा सोच लीजिए, इस तरह के वीडियो जब विदेश की मीडिया उठाती है और उठाए गए हैं, तो आपकी छवि पर क्या असर होते हैं। हमारी मांग है कि ये जो पूरे स्टूडेंट के साथ घटनाएं हुई है और जितने भी लोग थे, वैसे प्रशासन की तरफ से जो भी बातें मीडिया में रखी गई है उसमें उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ उसके हिसाब से हम जब बात करें तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन होते हुए वहां ये चीज हुई है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अपनी निष्पक्षता से जांच करे और जो इस तरह के आतंक मचा रहे हैं GSR का नारा लगाकर, तो इस तरह के आतंकियों को कानूनी जो कार्यवाही होती है उसके अंदर लाते हुए उनको समझाया जाए कि ये देश प्रजातंत्र, लोकतंत्र से और कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर वाकई में देश के अंदर प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि ये देश विकास करे और विश्व का महाशक्ति बने, तो इसके लिए मोदी साहब को कानून सख्त बनाने पड़ेंगे, और सख्त कानून बनाकर ही आप इस देश को विश्व की महाशक्ति बना सकते। बाकी ये पूरे जो भी ख्वाबों ख्यालों की बात रहेगी, और आए दिन कहते हैं कि एक दिन तो पधारो गुजरात में, तो क्या इसलिए लोग अपने बच्चों को यहां भेजेंगे, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए? तो मोदी साहब से सवाल है कि इस तरह के कानून पर जब आप शक्ति इख्तियार करेंगे, तो वाकई में आपकी नेतृत्व में लोग जो भी बात कर रहे हैं कि विश्व के महान पुरुष है, तो वो चीजें सिद्ध होगी। बाकी वही बिल्किस बानू वाला केस हमारे सामने है, किस तरह की गुजरात की हाईकोर्ट ने उसके लिए न्याय दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर हस्ताक्षेप किया,
ये हमारे सामने है। देश तभी विकास कर सकता है जब इस देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र का विश्वास रहेगा। मोदी साहब, बिना विश्वास के कोई चीज विकास नहीं करती है। बयानों भाषणों से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से, बैनर लगाने से विकास नहीं कहा जाता है, वो एक छलावा है। और इसी छलावे में आप पूरे देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के माहौल बना दिए गए हैं कि आप जीएसआर के नारे लगाओ, मुसलमानों को मारो, ये कैसे हालात बन गए हैं। अब विदेशी छात्रों पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है हमारे गुजरात में। तो मोदी साहब, इस पर जितना हो सके उतनी जल्दी से संज्ञान लें और जो भी आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी कानून की कार्यवाही करते हुए उनको समझाए, पाठ पढ़ाए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको समझाए कि कानून क्या होता है। अगर आप वाकई में भारत देश के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है, तो आप पीएम है भारत देश के लोकतंत्र के, तो आप ये काम करके दिखाएं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए से देश की जन की आवाज आप तक पहुंचेगी और इस बात को ध्यान करेंगे। और लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।